सबसे पहले रिकैप हम लोग कर ले रहे हैं। हम लोग अभी तक मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, एक बार क्विक रिकैप करते हैं, सब लोग समझो पहले। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़े थे सबसे पहले हम लोग, तो मैग्नेटिक फोर्स जब कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू है वेलोसिटी वी के साथ मैग्नेटिक फील्ड वी में मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस डी। ये मैग्नेटिक फोर्स है। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उस पर जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अरे कहीं नहीं, मूविंग चार्ज, यहाँ चार्ज स्टेशनरी नहीं है। और अगर चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो होगा वो होगा क्यू इंटू ई। अगर एक चार्ज दोनों फील्ड में मूव कर रहा हो तो नेट फोर्स जो होता है उसको लोग बोलते हैं लॉरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? लॉरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एफ ई प्लस एफ एम। हाँ या ना, पढ़े थे ना, इसको हम लोग क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस डी भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। ये पढ़े थे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। अगर मैग्नेटिक फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर तुम्हें फाइंड करना है तो एफ एम इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। पढ़े थे ना, जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज क्यू है वेलोसिटी वी के साथ मैग्नेटिक फील्ड डी में मूव करता है कितना एंगल बनाते हुए, थीटा, तो फोर्स कितना होगा क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा क्यू इंटू वी इंटू बी। साइन 90 क्या होता है? और इसी फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या हो जाएगा? सर्कुलर। क्या हो जाएगा? सर्कुलर। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ही क्या प्रोवाइड करेगा? सेंटीमीटर। इसका मतलब क्यू वी बी मैग्नेटिक फोर्स हो गया, सेंटीमीटर फोर्स होता है एमबी स्क्वायर बाय। हाँ है ना, अगर इसको सॉल्व करोगे तो रेडियस आ जाएगा। क्या जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। टाइम पीरियड निकाल सकते हो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। बोलो यार, बी हम लोग दूसरा देखे थे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पैरेलल अगर मूव कर रहा मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स कितना होगा? 0 होगा। और अगर फोर्स 0 है तो चार्ज पार्टिकल के इनिशियल मोशन ऑफ डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के क्या मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर, तो इसका पाथ क्या हो जाएगा? सर्कुलर। अगर चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, कितना एंगल? थीटा मैग्नेटिक फील्ड को, पहले तो 0 डिग्री देख लिए, 90 डिग्री देख लिए, अगर कोई एक एंगल थीटा बनाते हुए मूव करता है तो पाथ जो होगा वो होगा स्पाइरल या हेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिकल। वेलोसिटी वी के साथ कोई चार्ज पार्टिकल क्यू मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा है एंगल थीटा बनाते हुए तो पाथ क्या होगा? हेलिकल। अरे हाँ या ना, ये भी हम लोग कर चुके हैं। और ये हेलिकल पाथ जो चुकी एक सर्कल है ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है तो ये सर्कल का जो रेडियस होगा क्या होगा वो भी निकाल चुके हैं। टाइम पीरियड निकाल चुके हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं और पिच निकाल चुके हैं। इसके अलावा हम लोग लास्ट में जो देखे हैं वो देखे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एफ इज इक्वल टू आई एन क्रॉस बी। अरे पढ़े ना, अगर कोई कंडक्टर जो करंट कितना कैरी कर रहा है आई, लीनियर लेंथ उसका कितना है, किसमें प्लेस्ड है? मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो उस पे जो फोर्स लगा होगा आई एल क्रॉस बी। और इसी को अगर तुम स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। वापस से वही थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब पैरेलली प्लेस्ड है। अरे हाँ नहीं, साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, 90 डिग्री पे फोर्स क्या लगेगा? मैक्सिमम। तो ये बेसिक में बता रहा हूँ, पूरा तो मैं डिटेल में इसका एनालिसिस किया हूँ लेकिन अभी तक हम लोग ये देखते हैं। हाँ या ना, तो आज हम लोग देखेंगे बायट सवार्ट लॉ। बायट सवार्ट लॉ फोर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी सारा डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं बीएसएल क्या है, सबसे पहले समझना है। तो हम लोग किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, देखो इधर। तो सबसे पहला जो इस चैप्टर में बताए थे वो बताए थे एचसी और एसटेड एक्सपेरिमेंट। क्या बताए थे? एचसी और एसटेड। उस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था वो था कि अगर कोई वायर, क्या है वायर,
और उस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, तो उसके सराउंडिंग में क्या फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, मूविंग चार्ज, क्या है, मूविंग चार्ज। तो दो पॉइंट याद रखो, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज अगर रेस्ट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन क्या होगा, मैग्नेटिक। तो एक हम लोग किसी भी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर लिए, किसी भी शेप का कंडक्टर ले लिए, क्लियर है, ये तुम्हारा कंडक्टर एक्स वाई, क्या है, एक्स वाई, कोई दिक्कत है क्या, किसी भी एक आर्बिट्ररी शेप का हमने कंडक्टर लिया, तुम दिख सकते हो ये तुम्हारा कंडक्टर है, क्लियर है क्या, और इस कंडक्टर में करंट पास कर रहा है आई, कितना पास कर रहा है आई। तो अगर किसी कंडक्टर में करंट आई पास कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अरे हाँ, यानी किसी एक गिवन पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। अगर तुम एक मैग्नेटिक निडल को लो, क्या लो, मैग्नेटिक निडल को, और इस मैग्नेटिक निडल को इस कंडक्टर के नजदीक में रखो, तो तुम देखना कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, अरे है नहीं, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम दूर ले जाओगे उसका डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अरे है नहीं, तो जब क्लोजर था तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, अरे बोलो यार, और अभी फोर्स हम लोग देखे थे किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, आई एल बी साइन थीटा देखे थे ना, इसका मतलब क्लोजर अगर रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम, सॉरी ज्यादा, और जैसे आगे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो किसी एक गिवन पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका वैल्यू क्या होगा, वो कैलकुलेट किया गया था बायोट एंड सावर्ट से, किसने कैलकुलेट किया, बायोट एंड सावर्ट, और इसका नाम पड़ा बायोट सावर्ट लॉ, क्लियर है क्या। तो सबसे पहले पहला पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन है कि जब किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेट अप अराउंड द कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड बाय बायोट एंड सावर्ट। किसी एक गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ये कैलकुलेट किया गया बायोट एंड सावर्ट के द्वारा, जिसको लोग जानते हैं बायोट सावर्ट लॉ, रखा है नहीं, और देखेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ किसी एक गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। चलो इसको भी यही रखते हैं थोड़ा देर के लिए, उसके आगे चलते हैं। तुम अगर पढ़े होगे, अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, अरे स्टेशनरी चार्ज है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, रहे ना यार, तो फोर्स दोनों बीच के बीच, जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा ये दोनों के बीच, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, Q1 इनटू Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, कंबाइन करते हो तो लिखते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या देते हो, जो फ्रॉम मीडियम टू मीडियम क्या करता है, तो याद रखना कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज सिमिलर और एनालॉगस टू बायोट सावर्ट लॉ इन मैग्नेटिज्म, अरे हाँ है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, यहाँ फोर्स बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो समझो पहले, सबसे पहले क्या कि व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप, मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप सराउंडिंग इट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट वॉज एक्सपेरिमेंटली on by Biot and Savart, which is known as Biot-Savart law, Biot-Savart law, BSL rule, clear hai kya,
अरे हाँ या नहीं, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट पी, एट अ गिवन पॉइंट पी। अरे बोलो यार, तो कंडक्टर में एक्स वाई एक आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर, क्या ये डेफिनेट शेप है, नहीं, किसी भी शेप का कंडक्टर लिया, यहाँ पे मैंने एक्स वाई, कितना करंट पास कर रहा है, क्लियर है, अरे है नहीं, तो इस पूरे कंडक्टर के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड करेंगे, हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, एलिमेंट, अरे है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू बायर्ड सावर्ट लॉ हम लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू बायर्ड सावर्ट लॉ बीएसएल द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड नंबर वन is directly proportional, is directly proportional to current element, to current element. अब current element क्या होता है वो बताते हैं, current element ideal, देखो मान लेते हैं ये conductor एक्स वाई, ये conductor क्या है एक्स वाई, इसका length है l, इसका length क्या है l, अगर एक बहुत छोटा सा part conductor का choose करोगे, ये दिख रहा है क्या, अरे बोलो यार, तो इस कंडक्टर का लेंथ कितना होगा dl, क्या होगा dl, और इस कंडक्टर में करंट कितना पास कर रहा है i, करंट के डायरेक्शन में जाओ, करंट कितना जा रहा है i, देन i into dl, इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट, क्या बोलते हैं करंट एलिमेंट, अरे हाँ नहीं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट जिधर जा रहा है उधर की डायरेक्शन में होगा, लेंथ तो ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, मान लेते ये ए बी है, तो लेंथ तुम ए से बी भी जा सकते हो, अरे जा सकते हो ना, या बी से क्या जा सकते हो ए, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो लेंथ लेंगे उसका डायरेक्शन लेंगे ए टू बी, क्योंकि करंट किधर से किधर पास कर रहा है ए टू बी, अरे बोलो यार, अब ये पूरे कंडक्टर को भूल जाओ, तुम बोलोगे कि ए बी एक कंडक्टर है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, इसमें करंट कितना जा रहा है आई, तो इसमें अगर करंट आई जा रहा है तो ये भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, लो होगा, क्या होगा, लो या लेस होगा, होगा ना, अरे बोलो यार, मैं मान लेता हूँ पॉइंट पी का, जिस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट पी का इस करंट एलिमेंट से डिस्टेंस में मान लेता हूँ आर, क्या मान लेता हूँ आर, डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूँ आर, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है आर, अरे दिख रहा है क्या, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये तुम्हारा आइडियल करंट एलिमेंट, कुछ एंगल बनता हुआ दिख रहा है, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा, अरे बोलो यार, तो एक्सपेरिमेंटली बायोट एंड सावर्ट ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पे होगा वो स्मॉल होगा इस एलिमेंट के कारण, उसको हम लोग डीवी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डीवी मैग्नीट्यूड से करेंगे, क्या ले रहे हैं मैग्नीट्यूड, सो ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आईडियल, किसका आईडियल, अरे बोलो यार, नंबर टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन आइडियल मीन्स करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर, एंड पोजिशन वेक्टर, पॉइंट पी का पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ये करंट एलिमेंट, पोजिशन वेक्टर आर, अरे बोलो यार, एंगल कितना है थीटा, तो ये जो डी बी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन थीटा, ये पहला फैक्टर, ये आपका सेकंड फैक्टर, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस किसके किसके बीच, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट और ये पॉइंट बी, अरे बोलो यार, तो ये जो डी बी होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर थ्री, हाँ यार ना, अरे बोलो यार, ये तीन फैक्टर एक्सपेरिमेंटली देखा, ये आसान है यार, मैं तो इतना डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन तुम्हें इतना याद नहीं रखना है, सबसे पहले याद रखो कि ये कंडक्टर एक्स वाई है, अरे है नहीं, इसमें करंट आई पास कर रहा है तो इसके सराउंडिंग में क्या फील्ड ऑफ प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक है, लेकिन ये चूंकि आर्बिट्री शेप का है, इसका शेप वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, क्या लिया, छोटा सा एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम पड़ा करंट एलिमेंट, क्या है, करंट एलिमेंट, करंट इंटू लेंथ, करंट इंटू लेंथ, करंट एलिमेंट का
अब इसके कारण किसी एक गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, yes, उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वेरी स्मॉल होगा, डीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। बी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो डीबी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेरी स्मॉल वैल्यू ना। तो बायोट एंड सवॉट ने देखा कि जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के फॉर्म में। तो dB is inversely proportional to R square. दूसरा देखा कि dB directly proportional है IDL के। जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, बढ़ेगा। लेंथ ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अरे हाँ या ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा किस पर डिपेंड कर रहा है, IDL, करंट एलिमेंट इसको बोलते हैं। हाँ या ना। और दूसरा है एंगल, दूसरा क्या है एंगल, कितने एंगल पे रखा हुआ ये विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट। तो ये तीन फैक्टर है, और अगर तीनों फैक्टर को हम लोग कंबाइन करें, क्या करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो मेरे पास आ जाएगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। अरे है ना यार, dB इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अरे बोलो यार, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी वो हमेशा एक कांस्टेंट देते हैं, क्या देते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे dB इज इक्वल टू जो प्रोपोर्शनलिटी, अगर सिर्फ dB मैं लिखूं, अरे हाँ या ना, मैग्नीट्यूड में तो ये हो जाएगा कांस्टेंट k IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर। अब ये k का वैल्यू हम देखेंगे, यही है तुम्हारा बायो सवॉर्ट। क्लियर है क्या, अभी और एक्सप्लेन करेंगे, पहले इतना लिखना ठीक है। देखो ये फाइनल एक्सप्रेशन लाए हम लोग, dB इज इक्वल टू IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर, k कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन को आगे हम एनालाइज करते हैं, तो मेरे पास ये आया बायोट सवॉर्ट लॉ से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया, कितना आया देखो यहां ध्यान दो, dB मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू k कांस्टेंट IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर। आया ना, के यहाँ पे क्या है, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसके का वैल्यू देखेंगे, जैसे याद करो f इज इक्वल टू मेरे पास होता था 1/4πε₀Q1Q2R2। अरे हाँ नहीं, एयर मीडियम में, अगर दूसरा कोई मीडियम है तो 1/4πε₀ε₀। क्लियर है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी k का एक वैल्यू याद है, अलग वैल्यू है, k इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू है म्यू नॉट, ये सिंबल है, बाय 4π, म्यू नॉट बाय 4π। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर का जो सराउंडिंग मीडियम है, अगर ये जो कंडक्टर दिख रहा है ना, अगर एयर मीडियम में प्लेस है, किसमें प्लस है, एयर में, और इसका जो वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4π का, ये होता है 10 to the power minus 7, ये होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसल, तो हो जाएगा टेस्ला, क्लियर है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट है इसका। पहले समझ ले, इसके बाद करना, पहले देख ले, म्यू नॉट बाय फोर पाई, ये स्टैंडर्ड वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 10 का पावर माइनस 7, 10 का पावर माइनस 7। जब ये तुम्हारा एयर मीडियम में हो या वैक्यूम में रखा हो, एयर या वैक्यूम में, लेकिन अगर इसका सराउंडिंग मीडियम को अगर हम लोग चेंज कर दें, सराउंडिंग मीडियम को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो k का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जैसे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, इसमें ऊपर आएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर बाय 4π। क्लियर है क्या, फॉर एनी मीडियम। अरे बोलो यार, क्लियर है ना, हाँ या नहीं। और अगर एयर मीडियम कर दें, तो म्यू आर का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1, तो 1 इंटू म्यू नॉट बाय 4π वही आ जाएगा। इसका मतलब म्यू आर का वैल्यू कितना होता है, 1, जैसे एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1। पहले समझो, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है म्यू नॉट, और या म्यू जीरो बोलते हैं, म्यू जीरो या म्यू नॉट बोलते हैं, और इसका नाम है एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी। इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी।
ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। म्यू आर, म्यू आर इसको बोलते हैं म्यू आर, म्यू नॉट ये आर लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर, जैसे बोलते हो ना तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यू आर। इसका नाम है रिलेटिव परमीएबिलिटी, रिलेटिव परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा परमीएबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमीएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम। क्लियर है ना, याद रहेगा। जैसे हम लोग बोलते थे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते थे, क्या बोलते थे परमिटिविटी। जैसे यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे, यहाँ पे म्यू आर रिलेटिव परमीएबिलिटी। नाम पता चला परमी परमिशन देना, एबिलिटी मतलब अंदर आ। अरे हाँ ना, आगे चल के बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। परमिटिविटी का मीनिंग बता चुके हैं, एब्सोल्यूट पर बोलो बोलो पूछो हाँ डिफेंस, वेरी गुड। सबसे पहले क्या है कि हम लोग चूंकि ये दो अलग अलग चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, करें ना, क्योंकि हम लोग सेम कांस्टेंट कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, दूसरा क्या है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग चीज है, इनफैक्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन ये दो अलग अलग चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज इज रेस्ट, मैग्नेटिज्म का मतलब चार्ज इन मोशन। तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। और एक्सपेरिमेंटली निकाल के इसको रखा गया, जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ नाम दे देते हैं ना, अरे देते हैं ना। जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे आजकल तो बड़ा अच्छा ट्रेंड चलता है कि किसी के घर में बच्चा अगर जन्म लेता है तो नामकरण उसका होता है ना, नाम रखते हैं ना। तो हम नाम रखने के पीछे भी कुछ होता है कि ये किस दिन जन्मा है, इसका कोई रिलेशनशिप है या कुछ, मतलब निकाल उगा के कोई लोग दूसरे से दिखवा के निकलवाते हैं। अरे हाँ या ना, वैसे इसका रखा गया एक्सपेरिमेंट करके। क्लियर है ना, हाँ या ना। तो ये है म्यू नॉट और क्या है म्यू आर। लाइक हम लोग एक और टर्म पढ़ते थे, ये होता है म्यू, क्या होता है म्यू सी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परमीएबिलिटी। क्या बोलते हैं परमीएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम। और ये म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जैसे एप्सिलॉन इज इक्वल टू था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हाँ यानी ये था तुम्हारा क्या था, ये परमिटिविटी, क्या था परमिटिविटी, ये था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये क्या था रिलेटिव परमिटिविटी। अब तो वैल्यू तो तुमको दिया रहेगा, म्यू नॉट का वैल्यू तुम्हें मालूम है, नहीं मालूम है म्यू नॉट का वैल्यू है 10^-7, तो म्यू नॉट का हो जाएगा 4π × 10^-7। जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अगर किसी मीडियम में तो म्यू आर का वैल्यू दिया रहेगा, म्यू नॉट बाय 4π का वैल्यू क्या है 10^-7। अरे हाँ नहीं, अरे बोलो यार। तो म्यू आर का वैल्यू जो होगा एयर मीडियम के लिए वो कितना होगा 1। तो मेरे पास अगर एयर मीडियम के लिए करें तो डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय, के का वैल्यू क्या लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4π IdL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अरे हाँ ये नहीं, ये एक एलिमेंट के कारण बता रहा है। अगर एक एलिमेंट हम लोग आईडीएल नहीं है तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया डीबी, ये इतना वैल्यू होगा। एक और एलिमेंट यहाँ पे आईडीएल, अरे बोलो यार पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा लेटेस्ट डीबी, अरे बोलो यार फिर इसके कारण कितना होगा डीबी। और हर एक डीबी डीबी को अगर हम लोग जोड़ दें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा डी आएगा ना पॉइंट पी पे। प्रीवियस क्लास में बता रहे थे फोर्स के बारे में। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट करंट एलिमेंट किसके कारण बता रहा है आईडीएल। अगर होल कंडक्टर के कारण तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इसी इक्वेशन को तुमको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो अगर टोटल तुमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ये टोटल कंडक्टर टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर तो इसको इसी इक्वेशन को तुमको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। देखा ये नहीं, यही है तुम्हारा बीएसएल, ये तुम्हारा क्या है बीएसएल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। क्लियर है क्या, पहले लिखो इसको। तुम्हारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आया ना बायो सावर्ट लॉ का, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π IdL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगा लेकिन हम बता चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नीट्यूड तो है ही साथ में क्या होगा डायरेक्शन। तो यहीं पे हम लोग इसी इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, इसी इक्वेशन का क्या देखेंगे तो बायट सवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। पहले सीखो सब लोग,
इक्वेशन को लिखते हैं स्केलर फॉर्म में। तो मेरे पास डीबी का वैल्यू है ऑलरेडी, मैग्नेटिक फील्ड डी टू करंट कैरिंग एलिमेंट, सॉरी करंट एलिमेंट, सब बताएगा एक साथ, ठीक है ना। शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट एलिमेंट आईडीएल। अरे हमें नहीं, मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ थीटा, जहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है, आईडीएल और डिस्टेंस आर के बीच, ये बताया था ना। और थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अभी जस्ट देखे ना। और अगर ये तीनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग बोले थे आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और अगर एयर मीडियम की मैं बात करता हूँ या वैक्यूम का, तो डीबी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक लोगे म्यू नॉट बाय फोर बाय आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। लेना है कितना आसान है, इतना तुमको अगर पूरा डिटेल में नहीं लिख पाते हो तो इतना लिख दो। अरे बोलो यार, फैक्टर्स तुमको तो याद रखना पड़ेगा। अब इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। चलो इसको रीअरेंज करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद आर डिवाइडेड बाय आर। अरे कर सकते हैं क्या, आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब, तो डीबी इज इक्वल टू मुझे हो जाएगा म्यू नॉट बाय फोर पाई, जो कि एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसको तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब है क्या, नहीं। ऊपर में देखो आईडीएल क्या जाएगा, आईडीएल साइन थीटा, बाद में रखते हैं पहले आर लिखते हैं, आईडीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, या आर क्यूब आ जाएगा। आएगा आया ना। देखो अभी हम तुमको बताए थे करेंट एलिमेंट, सब लोग यहां ध्यान दो, करेंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड होता है आईडीएल, क्या होता है आईडीएल, लेकिन एक ये वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, कल भी सिखाए थे आई इंटू डीएल, इसके ऊपर एक एरो डालेंगे, डीएल लेंथ लीनियर लेंथ है, क्या है वेक्टर, क्या है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर, अरे है नहीं, यही है डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल। अरे बोलो यार, इसका मतलब आईडीएल क्या है, वेक्टर। आर तुमको पोजीशन वेक्टर भी बताए थे ना, अरे पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखे थे, आर, ये लिखे थे ना। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर। तो यहाँ पे आईडीएल और आर दोनों क्या है वेक्टर, और दोनों मल्टीप्लाइड है, दोनों क्या है मल्टीप्लाइड, तो दो तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस, क्योंकि साइन थीटा आया हुआ तो क्रॉस होगा, साइन थीटा आया तो क्रॉस, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस ही तुम्हारा क्या देखता है वेक्टर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई, म्यू नॉट बाय फोर पाई आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, क्योंकि ए क्रॉस b, ए क्रॉस b, ए क्रॉस b इज इक्वल टू होगा ए बी साइन थीटा, वैसे आईडीएल क्रॉस आर इज इक्वल टू जाएगा आईडीएल इंटू साइन थीटा इंटू, एक यूनिट वेक्टर लोगे लेकिन मैग्नीट्यूड लोगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन। आया ना, yes, समझ में आया क्या, ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है, ये तुम्हारा क्या है वेक्टर फॉर्म, बीएसएल इन वेक्टर, बीएसएल इन वेक्टर, समझ में आया क्या। वापस से शुरू से लिखो, एक चीज पहले समझना, सबसे पहले यहां ध्यान दो सब लोग एक मिनट के लिए, तो यहां से तुम्हें मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्या मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड तो भी निकाल के बता दिए, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे देखो तुम, ये जो डीबी का डायरेक्शन है, यहां ध्यान दो डीबी, वो कैसे मिला डीबी का डायरेक्शन, आई डी एल क्रॉस था, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल बताया है तुमको, अगर दो वेक्टर ए और बी है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी आया, वेक्टर सी, इसका मतलब वेक्टर सी वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है और वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर है ना यार। जैसे तुम ऐसे वेक्टर लेते थे आई कैप जे कैप और के कैप, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या था के, तो के किसपे परपेंडिकुलर है जे पे भी और आई पे। अरे बोलो यार, तो कोई पूछे कि डीबी का डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो बोलना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा कि वो परपेंडिकुलर होगा आईडीएल पे और वो परपेंडिकुलर होगा आर पे,
फाइन ना? यस सर। इसका मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डीबी हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? आईडीएल के, नंबर वन। और डीबी किसके परपेंडिकुलर होगा? हाँ, क्लियर है क्या? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? बाकी क्रॉस प्रोडक्ट का रूल जानते हो, अगर आईडीएल क्रॉस आर का तुमको वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है तो सबसे पहले कौन सा हैंड लेना है? राइट हैंड। अरे बोलो यार। और ये अपने पाम को, ये हाथ को, हथेली को किसके डायरेक्शन में रखना है? आईडीएल। किसके डायरेक्शन में? आईडीएल। और किधर ले जाना है? आर की तरह। उसके बाद क्या लेना है? क्रॉस। मान लेते, देखो यहाँ ध्यान, ये है तुम्हारा आईडीएल, ये तुम्हारा क्या है? आईडीएल। अरे बोलो यार। अरे हाँ या ना? यस सर। और मैं मान लेता हूँ ये है तुम्हारा आर, ये तुम्हारा क्या है? आर। इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट। ये हाथ नहीं है। yes, सबसे पहले किसके डायरेक्शन में लिखेंगे? आईडीएल। और किधर मोड़ेंगे? आर की तरफ। अरे आर की तरफ मोड़े ना, मेरा थंब किधर गया? अरे हाँ ये नहीं, तो इस पॉइंट की पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा? इनवर्ड। हाँ या ना? ये डायरेक्शन भी तुम फाइंड कर सकते। क्लियर है क्या? तो स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? समझ में आ गया ना? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमेशा याद रखना टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। बस यही है, बर्ड्स वाला।